इंतजार तो कर रही थी आपका, लेकिन स्टार की आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आंटी आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आइए ना प्लीज। अम्मी हाँ हम देख लेंगे फिर। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। अम्मी वो आंटी आई हैं आपसे बात करने के लिए। कैसी बात? वो एक्चुअली तुमने बात नहीं की अम्मी से? मैंने कहा था इनसे पूछ लेना। वो अम्मी दरअसल समझी नहीं, अम्मी फैसल ने आज बुलाया था इन दोनों की रुखसती की बात करने के लिए। और फैसल भाई तो कह रहे थे कि वो आपसे बात कर चुके हैं। कल इसके अब्बू की बरसी थी, आज ये रुखसती की बातें कर रहा है, तो ठीक है आप इसी से कर लीजिए। क्या मतलब है ना, आप इस घर की बड़ी हैं, हमें तो आपसे बात करनी है। वैसे भी इनके निकाह को 3 साल हो गए हैं, अगर हम रुखसती का पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर आपको मुझसे पूछना है तो ये रुखसती अभी 1 साल और नहीं हो सकती। तुमने अपने घर बुला के हमें बेइज्जत कराया, किस लिए? आंटी प्लीज अब ऐसा मत सोचे। वो क्या ना सोचे, तुमसे कहा था कि अपनी अम्मी से पूछ लो। मैं अब कुछ तो बोले प्लीज आंटी। और हिना, हम लोग कोई भिखारी नहीं है, ये इज्जतदार लोग हैं। आप लोग आए थे हमारे घर में रिश्ता लेने के लिए, हमने यहाँ के झोली नहीं फैलाई थी जो आप इस तरह से कह रहे हैं। हमें मालूम है आपको हमारा शोक बुरा लगता है, लेकिन काश दुख नापे जा सकते तो आपको पता चलता। 3 साल से हम आपका शोक उठने का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ रुखसती तो करानी है जिसे आपने हमारे लिए अजाब बना रखा है। आंटी आप प्लीज इतना गुस्सा मत करें, बैठे ना, बैठ के बात करते हैं। नहीं बेटा, बहुत हो गई इज्जत हमारी। आपके घरों में कोई बहन बेटी नहीं है ना, इसलिए हमारा दुख नहीं जानते आप। आंटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मेरा यकीन करें, अम्मी मुझसे खुद रुखसती की बात करती हैं। क्यों अम्मी? हमारे भी गए, लेकिन हमारे लिए दुख मौत से ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी बेटी निकाह के बाद भी घर में बैठी। आपको पता है लोग किस किस्म की बातें करते? आंटी प्लीज आप लोगों की फिक्र मत करें, उनका तो काम ही है बातें करना। आपके पास होगी जमानत साल जिंदा रहने का, मुझे तो अगला लम्हा नहीं आता लगता। अम्मी आप लोग फैसला कर लें, अब आप लोग आएंगे हमारे घर, हम लोग आ चुके हैं। आंटी अम्मी आंटी आंटी प्लीज रुके तो सही। आंटी मेरी बात सुने, आंटी देखिए आंटी देखिए आंटी आप प्लीज ऐसे मत जाए। आंटी फैसल तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आंटी मैं चाह रहा था कि आप लोग आके खुद एक दफा मिल सकते। खुदा के लिए हमारी इज्जत से मत खेलो। आंटी देखिए इस समय तो मामला और उलझ जाएगा। हम मामला सुलझाने ही आए। फैसल एक बात याद रखो, बल्कि अपनी अम्मी से भी कह देना, दुख सिर्फ मौत का ही नहीं होता, वो सिर्फ मरियम का ही नहीं रबाब का घर भी तबाह कर रही, करे वक्त के बदले से। अच्छा आंटी प्लीज आप रुके, मैं आपको छोड़ रहा हूं। नहीं फैसल, शायद तुम्हारी अम्मी को अच्छा ना लगे, तुम जाओ हम चले जाएंगे। आंटी देखिए मैं आपसे माजरत करता हूँ अम्मी के रवैये की, लेकिन प्लीज कम अज कम आप तो इतना तर्क मत सोचे ना आंटी, मैं छोड़ आता हूँ आपको। फैसल मैं झूठी चीजों का आदि मत बनाओ, तुम जाओ जाके अपनी अम्मी को मनाओ और निकालो हमें इसे इम्तिहान से। आंटी आंटी प्लीज मेरी
यार मेरा तो जी करता है कि तुम्हारी एचआर की डिग्री चेक कराऊं, कसम से जाली लगती है मुझे यार, तुमसे अम्मी हैंडल नहीं हो रही। से मेरा क्या कसूर है यार, जब अम्मी आई गई थी तो उनसे इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत है, डरना ही था कुछ और कह देती यार। वो तुम्हारी भी अम्मी है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि उनसे डिप्लोमेसी नहीं होती। वैसे अगर वो किसी मुल्क की सफीर होती ना तो दूसरे मुल्कों से उनके हालात बिल्कुल भी ठीक ना होते। तो मुझे खुद ही बताओ रेहान, उन बेचारों के साथ ज्यादती है या नहीं? आंटी ठीक कहती है ना कि उन लोगों का सबसे बड़ा इम्तिहान ही है। अम्मी से जब रुखसती की बात करो वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि रुखसती फिर एक साल के लिए आगे हो जाती है। यार मरियम भाभी तुम्हारी बीवी हैं, उनके घर जाओ और उन्हें ले आओ, हो गई रुखसती। तो अम्मी को नहीं जैसे जानता ना, ऐसे कैसे ले आ? क्या मतलब ऐसे कैसे यार, कोई स्पेशल ट्रेन चलानी है क्या या हेलीकॉप्टर में जाएगा रुखसती करने के लिए? प्लीज रेहान में से मजाक के मूड में नहीं। मजाक नहीं कर रहा यार, अगर शेरवानी पहनकर किराए के हॉल में खड़े होकर तुम्हें लोगों से लिफाफे लेने हैं तो वो अलग बात है, लेकिन एक बात बता दो, किसी भी लिफाफे से 500 से ज्यादा नहीं निकलेगा। आंटी कह गई, अब जब तक अम्मी उनके घर नहीं जाएंगी बात आगे नहीं चलेगी। और ऐसा कभी होगा नहीं। तो फिर रुखसती भी नहीं होगी? भाई मौसमी हालात तो यही बता रहे यार, सिंपल जाके अम्मी से बात कर ले, सली तेरी होगी तो मेरी बारी आएगी ना। पता नहीं ये सब कुछ किस तरीके से हैंडल होगा। अब आसमान से कोई खलाई मखलूक तो आएगी नहीं, तुम्हें खुद ही हैंडल करना है। हाँ यूरोपियन यूनियन या अक्वामे मुत्तहदा को इन्वॉल्व करना है तो और बात है।